नारी सशक्तिकरण के विषय पर कानपुर विकास प्राधिकरण में हो रहे जिला प्रशासन के कार्यक्रम के बाद अतिथि के तौर पर बुलाई गई आशा बहुओं ने सीएमओ अनिल मिश्रा के समक्ष मांग रखी। आशा बहुओं का कहना है कि जिस तरह से लॉकडाउन के पहले भत्ते के रूप में उन्हें 2,000 रुपये महीना मिला करता था, बीते कुछ महीनों से वो मिलना बंद हो चुका है। उनकी समस्या सुनने के बाद सीएमओ ने तत्काल कार्रवाई के आदेश देते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि दीपावली के त्योहार के पहले सभी भत्ते दे दिए जाएंगे और शासन स्तर से आने वाली समस्याओं के लिए भी पत्र लिखा जाएगा। क्या मांग रखी आशा बहुओं ने? एक तो आशा बहुओं का ये था कि ये लोग की एक मीटिंग हर महीने में होती है जो 20-25 लोगों के साथ करती हैं। कोरोना काल में वो बाधित था, तो बाधित होने के पास पैसा उसका जो 500 रुपये महीने मिलता है, तो मीटिंग न होने के पैकेट के नहीं मिला। मैंने कहा कम से कम इस महीने की मीटिंग किसी दिन भी कर लो, सोशल डिस्टेंसिंग करके कर लो, इसको भिजवा दो, उसको जारी कर देते। सेकेंड चीज़ आया था और कि जो पैसे हैं इनके, यदि कोई भी पेंडिंग है तो मैंने उसी कह दिया था, कोई भी कहीं भी पेंडिंग हो, हमने आदेश भी जारी कर दिया है और वो हर हालत में कोई यदि पेंडिंग हो जहाँ हमारी दस्तखत की ज़रूरत है, हमने कहा आज ही फाइल रात को मेरे पास ला करके उसको करा दिया। सर से ये मांग रखी थी क्योंकि कोरोना जब से चल रहा है हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारी 2,000 पेमेंट मिल रही है, 2,000 में भी 1,500 मिल रहा है, 500 कट जा रहा है। हम लोगों ने उनसे बस इतना ही कहा कि सर ये बताइए 2,000 में क्या होता है, आप बस ये समझिए कि एक व्यक्ति भी नहीं एक महीने में 2,000 खा सकता है, उसके लिए आप कुछ करिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितनी पेमेंट आपकी रुकी है मैं 3 दिन में ही उसके लिए वहाँ पर बात करता हूँ, 3 दिन के अंदर ही मैं कुछ करता हूँ, दशहरा के पहले पहले आपकी जो रुकी हुई है वो पेमेंट होगी और जो बढ़ने वाली बात है उसके लिए मैं आगे तक बात पहुँचा सकता हूँ, मेरे हाथ में बढ़ाने के लिए नहीं है।